अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, मैंने सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सारे लोग सो रहे थे क्योंकि बच्चों की जो होती है ना सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, दो दिन वो घर पे होते हैं। तो मैं सुबह ही उठ गई थी। क्या होता है ना कि मैं पूरे वीक ना वेट करती हूँ कि जब वीकेंड आएगा ना तो आराम से सोऊंगी, लेकिन वीकेंड पर ऐसा होता है ना कि बिना अलार्म के ही नींद खुल जाती है। वीकडे पर ना मैं अलार्म लगा कर सोती हूँ, दो तीन अलार्म लगा कर सोती हूँ कि कहीं गलती से नींद न लग जाए और बच्चों का स्कूल ना मिस हो जाए। लेकिन वीकेंड पर अलार्म बंद करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं उठ जाती हूँ उसी टाइम पे। वो क्या होती है ना कि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो ये तो मैंने सुबह उठा तो मैंने घर की सफाई वफाई कर ली, मैंने सोचा बच्चों के उठने से पहले सारा घर साफ़ उफ कर लेती हूँ, फिर जब वो उठ जाते हैं ना तो जो दो मिनट का काम होता है ना वो दस मिनट का बन जाता है। तो मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा वॉशरूम भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे से तो रोज़ ही जब नहाने जाओ साफ़ हो जाता है, ये जो एरिया है ना ये रोज़ नहीं साफ़ कर पाती हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। बेसिन जो होता है ना मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, और ये जो ऊपर का रॉड है इसको मैंने थोड़ा सा वही हैंड वॉश डालकर उसको साफ़ कर दिया, तो वो स्टील का है और काफ़ी मतलब सही है सामान वगैरह रखने के लिए। तो आज इनका बर्थडे है तो आर्यन वालों ने इनके लिए देखो ये गिफ्ट भेजा है। हमारे घर के पास एक है आर्यन फैमिली डिलाइट, बहुत अच्छा वेज खाना मिलता है वहाँ पे। जब भी हमें वेज खाना होता है ना, मतलब नॉनवेज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जब भी वेज खाना होता है ना तो हम लोग हमेशा आर्यन ही जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इस एरिया में हमारा जो भी एरिया मतलब हमारा जो एरिया है उसमें ना आर्यन से अच्छा वेज खाना कहीं नहीं मिलता है। तो आज इनका बर्थडे था तो उन लोगों ने, एक सेकेंड में दिखाती हूँ, एक बर्थडे कार्ड भी उन लोगों ने एक बर्थडे कार्ड भेजा है और गिफ्ट में ये प्यारा सा प्लांट भेजा है और 20% का डिस्काउंट भी दिया है। आप लोग आ जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि इसमें लिखा है 15% डिस्काउंट, लेकिन भैया ने बोला 20% डिस्काउंट, तो खैर जो भी हो। और एक बर्थडे कार्ड भी है, रुको मैं दिखाती हूँ कि इस बर्थडे कार्ड में क्या लिखा हुआ है। और नाम इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है। ये लोग आके मेरे से भैया पूछ रहे हैं, मैंने बोला नहीं भैया इस नाम से तो यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, फिर वो चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद कह रहे मैम नाम हमने गलत लिख दिया है। प्लांट काफी प्यारा है ना, इसको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकती हूँ। और फिल्टर लगाने के बाद मेरा चेहरा तो एकदम लग रहा चमक गया है। काश सच में इतना अच्छा स्किन होता तो फिर तो मज़ा ही आ जाता। मैं नहा कर आ गई और अभी सुबह सुबह मुझे अमेज़ोन से ये पार्सल रिसीव हुआ। ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए मंगाया था, बताया था ना मैंने आपको कि ये सारी जो प्लास्टिक है मुझे इसको रिमूव करनी है और इसके लिए मुझे कवर मंगाना है। तो काफ़ी अच्छा कवर मिल गया जिसको सिर्फ यहाँ पर इसको पहनाना है, इसके सीट्स में ये एरिया जो है ये कवर नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रही थी ना जो सिर्फ सीट्स के लिए हो, क्योंकि उसमें जो है फैब्रिक लगा हुआ है, बाकी सब तो उड़े, तो इसको क्लीन करना कोई मुश्किल नहीं है। और फिर इसको कपड़े से कवर कर देते ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तभी मैं इसको लगाऊंगी, लेकिन पहले नाश्ता बना लेती हूँ। बच्चे उठ गए हैं, सुबह सुबह टीवी उनका शुरू हो गया है, तो पहले उनको नाश्ता बना के देती हूँ। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ना रात का जो चिकन बचा हुआ है, वही लेफ्ट ओवर चिकन का मैं सैंडविच बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। तो रात में मैं अक्सर जो हमारे घर में बोनलेस पीसेस होते हैं ना कोई नहीं खाता है, तो मैं उसको बनाकर निकाल देती हूँ और फिर सुबह में उसके बच्चों को सैंडविच बना देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा पसंद से खा लेते हैं। तो चलिए पहले सैंडविच बनाते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ। सैंडविच बनाने के लिए ना चिकन जो है ना मैंने इसको रेसर को अलग कर लिया था। कुक चिकन है तो बहुत इजीली हो जाता है, और इसी बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे ही खाएंगे। मेरे हस्बैंड जो है वो बॉयल एग और चाय पीते हैं सुबह नाश्ते में, और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है कि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, बहुत बुरी आदत है। हालांकि नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है सुबह का, लेकिन मैं सिर्फ चाय पी के रह जाती हूँ। मतलब बहुत कमी ऐसा होता है कि जब मैं सुबह नाश्ते में कुछ खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लगती है। मुझे सारी भूख जो होती है ना वो शाम के टाइम पर लग जाती है, शाम में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है।
तो बस इसको सब कुछ मिक्स करके ना मैं इसको सैंडविच मेकर में टोस्ट कर लूँगी। आप तवे पे भी टोस्ट कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं इसी में करती हूँ। और इस मुझे लगता है ना सैंडविच मेकर में ना जो सैंडविच होता है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी थी। बात यह है कि अभी जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है ना, मतलब वो जो मंजर है देख के एकदम दिल दहल जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि हम इतने दूर से क्या कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा तो हम हेल्प कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं तो छोटा सा ही रकम आप दे सकते हो और आप यहाँ से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो छोटा सा ही सही मतलब कुछ अमाउंट आप ज़रूर डोनेट करें। इससे आपको एक दिल को जो सुकून मिलेगा और जो खुशी मिलेगी ना, सच बता रही, वो सुकून वो खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर केयर करना। और नाश्ता देने के बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी जो मैंने मंगाया है अपना कवर वो लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये प्लास्टिक्स है ना, मैं इनको रिमूव कर दूँगी क्योंकि अब ये बहुत बुरे कंडीशन में आ गई हैं। और मैं नहीं निकाल रही थी ना, मैं सोच रही थी कि जो नीचे गद्दे के ऊपर कपड़े लगे हैं उन्होंने जो फैब्रिक लगा हुआ है, कहीं गलती से बच्चों से कुछ गिर वगैरह ना जाए, गंदा ना हो जाए। तो अब कवर आ गया है तो गिरेगा भी तो कवर पे ही गिरेगा और इसको इजीली वॉश कर सकते हैं। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये पता है कैसा है, वो एक गंजी टाइप का कपड़ा नहीं होता है, मतलब इस पर स्टेन बहुत जल्दी निकल जाता है और ऊपर से ना क्या कहते हैं इसको वॉश करना भी बहुत इजी है। तो मुझे ऐसा ही कुछ कवर चाहिए था जिससे ना, मैं नहीं चाहती थी कि जो चेयर का ऊपर का एरिया हो वो कवर हो, मुझे मतलब सिर्फ ये जो गद्दा वाला एरिया था ना इसको ही कवर करना था, क्योंकि वुड को साफ करना बहुत ईजी होता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। तो मुझे मेरे पसंद का मिल गया था। और ये जो है ना 6 सीटर चेयर के लिए मंगाया था जिसका प्राइस आई थिंक 1299 था, अमेजोन से मंगाया था मैंने। इसमें मतलब ऑप्शन थे, 4 सीटर के भी थे, 6 सीटर के भी थे, 8 सीटर के थे। तो हमारे पास 6 सीटर डाइनिंग टेबल है तो मैंने 6 सीटर वाला ही मंगाया था। और यहाँ पे ना मैंने एक का जो पन्नी है ना चेयर पे लगी हुई थी उसको निकाल दिया, और पहले वाला का नहीं निकाला था क्योंकि मुझे लग रहा था ना वो पन्नी अभी अच्छे कंडीशन में है, तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, जब तक चल रहा है इसको चलने देते हैं, जब वो फट जाएगा तो दूसरे वाले को भी निकाल दूँगी। और ये कवर लगाने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ ना डाइनिंग टेबल की कवर हटाकर भी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ऊपर से तो रोज़ ही साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन कवर हटाकर नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आज कर रही हूँ तो ज़रा सा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये डाइनिंग टेबल के बीच में ना ये जो मोर्टिन का कॉइल होता है ना उसी तरीके से सर्कल बना हुआ है, तो मैंने उसके अंदर ना रोज़ पेटल्स डाल दिए थे। तो जब मैं इसको साफ़ करके बिछाने लगी ना, तो मैंने क्या किया कि जो कवर जिस साइड से पहले बिछा हुआ था ना उसका साइड चेंज कर दिया, क्योंकि इधर की जो शुरुआत वाले साइड होते थे ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसी वजह से मैंने चेंज कर दिया था कि दोनों साइड से इक्वल यूज़ हो। और ये जो कवर है ना प्लास्टिक वाला, इसको भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था, ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आई थिंक 260 रुपये की थी। और इसके बाद ये जो दोनों पॉट है ना, एक आर्टिफिशियल वाला और एक रियल वाला जो इनके लिए आया था, मैंने दोनों को यहाँ पर रख दिया। और इसके अंदर मैंने एक नीचे मैंने एक प्लेट रख दिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर ना बड़ी सी होल थी तो वहाँ से ना मिट्टी निकल रही थी, तो इस वजह से मेरे पास एक छोटी प्लेट पड़ी हुई थी उसके ऊपर ये रख दिया। और ये देखो इतने सारे पन्नी जो है कूड़े कचड़े वाले निकले इसमें से। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे, शाम का टाइम हो गया था, फिर दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग मतलब कोई शूट नहीं किया था जाने के लिए। और मुझे रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम ना स्कार्फ लगाने में लगता है, और ये वाला जो स्कार्फ है ना अभी मेरा फेवरेट स्कार्फ है। मेरे पास मतलब बहुत सारे स्कार्फ है पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, एक वक्त पे मेरा एक फेवरेट होता है, मैं उसको हर जगह पहनती हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद उससे बोर हो जाती हूँ, फिर दूसरे के साथ भी यही होता है। मुझे ना रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा मेकअप का शौक है ना मेकअप आता है, बस जो टाइम लगता है ना स्कार्फ लगाने में ही लगता है। तो बस सिंपल सा कपड़ा पहना था मैंने, कुर्ता पहना था, जैकेट पहना था, और यहाँ पे मैंने नायरा का हेयर कॉम कर दिया। और हम लोग मतलब बच्चे होता है ना कहीं जाने के लिए रहते तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और यहाँ पर नायरा और आतिफ कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे।
और ये उधर से ही आने वाले थे, ऑफिस साइड से ही हम लोग को बोले थे कि आ जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं और इनको लेट हो गई थी, तो बोले घर आएंगे फिर जाएंगे तो लेट हो जाएगी, तो उधर से ही आ जाना। और ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, खाने का वेट कर रहे थे, और बस इतने में क्या हुआ था, मेरा फ़ोन जो है ना वो चार्ज नहीं था, मैंने ध्यान नहीं, एक्चुअली में मैंने चार्ज पे लगाया था लेकिन मैंने स्विच ऑन नहीं किया था। जब मैं निकालने गई थी ना, मैंने देखा कि मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, और हम लोग आ गए वापस, मेरे फ़ोन में मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई पाई। और ये देखो अजब ही बेइज्जती कार्ड यहीं पर भूल के चले गए थे, वहाँ जाके याद आया कि जो डिस्काउंट कार्ड था वही नहीं लेकर आए थे, और उसके बिना कोई डिस्काउंट नहीं मिला। और पता है बर्थडे इनका था, गिफ्ट मुझे मिला है। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों का बर्थडे दो दिन के आगे पीछे आता है, तो इनकी एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ हमारे घर आती जाती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा ना बीबा का सूट भेजा है, और ये अनस्टिच है तो इसको स्टिच कराना होगा, और काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है ना, ये कलर अभी तक मेरे पास नहीं था, जिसको मैं अभी खोल ले रही हूँ, क्योंकि इसको खोलूँगी ना तो फिर इस तरीके से ना सरियाना नहीं हो पाता है, तो जब टेलर के पास ले जाऊँगी तभी इसको खोलूँगी। और बहुत ही प्यारा सूट है। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, क्योंकि मैं शुरू में बोलना भूल जाती हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अभी तक कपड़ा भी चेंज नहीं किया, बस हम आए और बैठ गए, क्योंकि फिर कपड़ा वगैरह चेंज करने रहती है ना तो नायरा का मन डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसे नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो चलो फिर ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बस अब नायरा को थोड़ा सा मैं और 10 मिनट थोड़ा सा रीडिंग वगैरह कराऊँगी, उसके बाद जाएँगे सोने के लिए। कल संडे है तो फिर इसीलिए थोड़ा आराम से लेट तक, अभी नायरा भी जग रही है, नहीं तो वो मोस्टली 10 बजे तक सो जाती है, उसे दिन में सोने की आदत नहीं है, तो रात में उसको जल्दी नींद आ जाती है, चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए। तो चलो फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।